हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी स्पोरेंजिया ऐसी लीव जिस पे स्पोरेंजिया लगी हो उसको स्पोरोफिल बोलते हैं और spor, क्योंकि मैंने कहा ना फिल टर्म लीव के लिए है अब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव है तो स्पोरोफिल अब स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा ये हम सब आगे देख लेंगे स्पोरेंजिया इज बेसिकली कैविटी और द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड तो लीफ जिसके ऊपर स्पोर, स्पोर्स बनेंगे उसको स्पोरोफिल बोल देते हैं ठीक है सो देखो जो लीफ है उस लीफ पे क्या मिल रही है बीयर्स स्पोरेंजिया फंस की और टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती है उन पे येल्लो येल्लो कलर के आपको स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो लीफ के बैक साइड में आपको येल्लो येल्लो डॉट से दिखाई दे रहे हैं ये सब स्पोरेंजिया हैं ठीक है थीके? ऐसे होते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिलता है स्पोर मदर सेल ठीक है तो लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया है उसको हम क्या बोल देते हैं स्पोरोफिल ठीक है ऐसी लीफ को स्पोरोफिल बोला जाता है तो लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया है उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेगा और स्पोरेंजिया क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है तो टू एनप्लॉयडी होगी उसके अंदर मिलती है स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल ठीक है तो स्पोरेंजिया बेसिकली ऐसे गोल सी कैविटी है ये स्पोरेंजिया है और इसके अंदर स्पोर्स बना रही है ये मदर ठीक है तो मदर सेल की भी प्लॉयडी एन होगी वो मदर क्या करेगी बेटा मियोसिस करके स्पोर्स बना देगी और मैंने आपको बताया था मियोसिस से जो स्पोर्स बनते हैं एक तो हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस दूसरा उनको हम मियो स्पोर्स बोल देते हैं है ना उनको हम क्या बोलते हैं मियो स्पोर्स तो कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर मियोसिस हुआ है मियोसिस किया स्पोर मदर सेल ने और बना दिए मियोस्पोर्स अब जो स्पोर्स बने हैं तो आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स के अंदर मैंने आपको बताया था वो सारे के सारे स्पोर्स एक ही तरह के होते थे सेम नेचर के उनको बोलते थे हम होमोस्पोरस बट इन टेरिडोफाइट्स दो कंडीशन है दे कैन बी होमोस्पोरस जो स्पोर्स बने हैं सारे एक जैसे भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी हेट्रोस्पोरस ऑल्सो दोनों कंडीशंस मिलती है टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस भी एंड हेट्रोस्पोरस भी ठीक है इनका मतलब क्या है सो होमोस्पोरस मीन्स ऑल दी स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड ऑल दी स्पोर्स आर ऑफ सेम काइंड एंड हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट काइंड के होंगे स्पोर्स, डिफरेंट काइंड के ठीक है अब जो ये स्पोर्स है ना नाउ दे विल जर्मिनेट जैसे ही ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे दे विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट क्या बना देंगे गैमेटोफाइट क्योंकि इनकी खुद की प्लॉयडी भी एन है और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ऐसी बॉडी बनाएंगे जो हैप्लॉयड हो और हैप्लॉयड बॉडी गैमेटोफाइट होती है ठीक है जो होमोस्पोरस कंडीशन है उससे बनने वाले गेमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोल देते हैं बेटा सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रोथेलस बनाएंगे सो so याद रखो प्रोथेलस जो है दैट इज़ नॉट द टर्म फॉर द गेमेटोफाइट ऑफ ऑल टेरेडोफाइट्स सभी टेरेडोफाइट्स के गेमेटोफाइट को प्रोथेलस नहीं बोला जाता ओनली द गेमेटोफाइट ऑफ होमोस्पोरस कंडीशन वाले जो हैं उन्हीं को बोला जाता है ठीक है अब ये गेमेटोफाइट बन गया अब इस गेमेटोफाइट पर लगेंगे क्या सेक्स ऑर्गन्स ये सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करेंगे और क्योंकि ये टेरिडोफाइट है तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे आपको वो कैसे होंगे दे आर मल्टी सेलुलर पहली चीज तो साथ में मल्टी सेलुलर के साथ साथ में जैकेटेड उनके बाहर जैकेट भी होगी ठीक है तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किस तरह के हैं मल्टी सेलुलर हैं एंड जैकेटेड है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं सो so, देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया अब क्योंकि यहाँ पर अब देखो होमोस्पोरस है ना ये एक ही तरह के हैं कोई अलग अलग तो है ही नहीं सारे स्पोर एक ही तरह के थे तो ये जो गेमेटोफाइट बनेगा वो भी एक ही जैसा बनेगा सेम तरह का उस पर जो सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं मेल और फीमेल वाले वो सेम ही प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं ना अलग अलग तो बॉडी ही नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बॉडी है ना सेम प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं इसको बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन इसका मतलब है जब भी होमोस्पोरस कंडीशन होगी तो हमेशा जो प्लांट बॉडी बनेगी आगे वो मोनोशियस ही होगी है ना क्योंकि आप खुद सोचो स्पोर सारे एक ही तरह के अलग अलग है ही नहीं वही स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया उसी गैमेटोफाइट पे सपोज करो दिस इज द गैमेटोफाइट उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी लग गया उसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी लग गया तो दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ही तो बॉडी पर हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं होमोस्पोरस कंडीशन ठीक है तो होमोस्पोरस कंडीशन आपको कहाँ मिलती है इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे हम लोग ड्राइओव टेरिस सेकेंड इज टेरिस खाली टेरिस थर्ड एडियंटम एंड फोर्थ इज लाइकोपोडियम ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रख लेना लाइकोपोडियम एडियनटम टेरिस एंड ड्राईअप टेरिस ड्राईअप टेरिस एंड लाइकोपोडियम एनसीआरटी में दिए हुए हैं ये दोनों एनसीआरटी के अंदर हैं तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं अब हम देखते हैं हेट्रोस्पोरस में क्या होता है हेट्रोस्पोरस में दो तरह के आपको स्पोर्स मिलेंगे एक तो मेल स्पोर क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के स्पोर है ना मेल स्पोर और एक मिलेगा फीमेल स्पोर मेल स्पोर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर और ये होते हैं स्मॉल और जो फीमेल स्पोर हैं दे आर लार्जर इन साइज एंड दे आर नोन एज मेगा स्पोर इनको हम क्या बोलते हैं मेगा स्पोरस अब जो मेल स्पोर है वो आगे डेवलप करके क्या बनाएगा मेल गैमेटोफाइट है ना फीमेल तो वो बनाएगा नहीं और ये जो मेगा स्पोर है ये आगे बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे प्रोथेलस टर्म हम यूज नहीं करते हैं ठीक है अब उसने मेल गेमेटोफाइट बना दिया इसने फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया अब इस पर लगेगी मेल गेम मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम इस पर एंथ्रीडियम बनेगा और यहाँ पे बनेगा क्या आर्चिगोनिया अब क्योंकि आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम सेम प्लांट बॉडी पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं ऐसे प्लांट्स को जो हेट्रोस्पोरस से बनेंगे तो ये डिफरेंट प्लांट बॉडी है डिफरेंट प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है सो दिस कंडीशन इज डायोशियस कंडीशन को बोलते हैं डायोशियस ठीक है और हेट्रोस्पोरस की आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो यहां लिख रही हूं मैं एक तो आ जाएगा सिलेजी नेला सेकेंड सेल्वीनिया मार्सीलिया एंड फोर्थ आप लिख लो एजोला एजोला सुना है ना आपने तो वो एक हेट्रोसपोरसफान है ठीक है तो सिलेजिनेला सेल्विनिया मार्सिलिया ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे और ये जितने आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो स्पोर्स जो है हमारे पास वो दो तरह के हैं होमोस्पोरस कंडीशन में हमेशा मोनोशियस बॉडी बनती है और हेट्रोस्पोरस में हमेशा डायोशियस जब सारे स्पोर एक ही तरह के होंगे तो एक ही जैसा गेमेटोफाइट बनेगा उसी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन और दिन लगेंगे उससे मोनोशियस बॉडी बनेगी बट हेट्रोस्पोरस में स्पोर ही अलग अलग हैं कुछ स्पोर हैं स्मॉल उनको बोलते हैं मेल स्पोर या माइक्रोस्पोर और कुछ स्पोर होते हैं लार्ज जिनको बोलते हैं मेगा स्पोर या फीमेल स्पोर और ये आगे मेल गेमेटोफाइट बनाता है ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है हेप्लॉयड हैप्लॉइड और फिर इस पर लगता है एंथ्रीडियम हैप्लॉयड इस पर आर्चिगोनिया क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं बेटा तो इनको फिर हम डायोशियस कंडीशन बोलेंगे मोनोशियस नहीं बोलेंगे ठीक है देखो ये तो हमने देखा है लीफ लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजिया मिल रहे हैं है ना तो ये तो हो गया स्पोरोफिल ये स्पोरेंजिया है तो इस लीफ को क्या बोल देंगे हम स्पोरोफिल बट कभी कभी क्या होता है ना ये सब स्पोरेंजिया कॉम्पैक्ट मास में मिलते हैं बट इन सम केसेस स्पोरेंजिया आपको कैसा मिलेगा या स्पोरोफिल कैसे मिलते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बहुत सारे लीफ आपस में जुड़ जाते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दैट इज स्ट्रोबिलस या कोन तो इसके कई सारे नाम हैं स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाय या कोन आप बोल सकते हो तो जैसे यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल लीफ दिख रही है ना उसमें बहुत सारी लीफ जुड़ के ऐसे कॉम्पैक्ट कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं ठीक है बहुत सारी लीफ आपस में जुड़ेंगी और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देगी उसी को स्ट्रोबिलस या कोन बोला जाता है राइट आप देखो जो हम लोग सेक्स ऑर्गन्स हैं ना उनकी डिटेल देख लेते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं फिर फर्टिलाइजेशन देख लेंगे ठीक है तो सेक्स ऑर्गन्स जो है हमारे पास मेल वाले को बोलते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गनज आर्चिगोनियम या आर्चीगोनिया भी बोल सकते हो आप ठीक है तो यहाँ पर जो जैसे ब्रायोफाइट में हमने फ़ीचर्स पढ़े थे उसी से थोड़ा बहुत सिमिलर है और थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं सबसे पहली चीज़ तो इनके पास स्टॉक नहीं होता स्टॉक एब्सेंट है दोनों में ही ठीक है जबकि ब्रायोफाइट में स्टॉक मिलता था और हमेशा याद रखना सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड जैकेट तो मिलेगी ही मिलेगी तो ये वाला फीचर तो इनका बिल्कुल किससे है ब्रायोफाइट से सिमिलर है बट स्टॉक इनके पास नहीं है जो ब्रायोफाइट के पास था ठीक है अब ये ना दो तरह की मेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मेल गैमिट और मेल गैमिट को क्या बोलते हैं एंथरोजॉइड्स सो so, दो तरह के एंथ्रोजाइड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे बेटा क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रायोफाइट में वो स्ट्रक्चर बना के देख चुके हैं तो so, यहाँ पर एक तो है कुछ बायो जिनके पास दो फ्लैजिला होगा और कुछ है मल्टी मल्टीफ्लेजिलेटेड मल्टी फ्लैजिलेटेड बोलो या कभी कभी किसी किसी बुक्स में मल्टी सीलिएटेड भी लिखा होता है सीलिएटेड ठीक है तो इस तरह से हैं देखो ये ऐसे कर्व्ड और ये दो फ्लैजिला और ऐसे कुछ होते हैं ऐसे और जिनमें फिर बहुत सारे फ्लैजला या बहुत सारे सीलिया मिलते हैं ठीक है तो ये एंथरोजॉइड है जो बिल्कुल कर्व्ड हो रखा है कॉइल हो रखा है ना कैसे होते हैं कॉइल्ड कॉइल्ड तो है ही बट यहाँ पर दो कंडीशन है कुछ फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और कुछ मल्टी फ्लैजिलेटेड ठीक है यहाँ पर जो बनती है फीमेल गेमीट वो है एग एक ही एग है वो वो हैप्लॉयड है एंथ्रोजॉइड्स भी हैप्लॉयड होते हैं ठीक है थीके? अब एन सी आपने जो सुना हुआ है ब्रायोफाइट्स में तो NCC, नेक एन नेक कैनाल सेल एंड वी तो ये मैं आपको बता देती हूँ वी तो हमेशा ही रहता है उसका तो कोई नंबर अलग नहीं होता बट एन का नंबर जो है वेरिएबल है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में तो जैसे कि एक एन मिलेगा किस में टेरिस में ड्राइब टेरिस जो टेरिडोफाइट है इसमें एक ही मिलता है एन एंड फोर्टीन एन मिलते हैं किस में लाइकोपोडियम में ठीक है अब कौन से एन कौन से वी की बात कर रही हो तो ये ब्रायोफाइट के अंदर हम लोगों ने पूरा देखा है बेटा किस तरह से आर्चीगोनिया का स्ट्रक्चर होता है आप आर्चीगोनिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए वहां से आपको समझ आ जाएगा ठीक है और वी जो है वेंटर कैनाल सेल वो तो हमेशा वन ही रहता है सभी टेरिडोफाइट्स में ठीक है और एन है नेक कैनाल सेल राइट तो ये हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे दो तरह की गमीट बन रही है और एग एक तरह का ही है और बीसीसी और एनसीसी का नंबर थोड़ा सा चेंज है ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है इनके अंदर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन तो इसीलिए वाटर फर्टिलाइजेशन हमेशा किस तरह है? की है वाटर के प्रेजेंस में होगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है सो नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ किसके लिए वाटर इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ एंथरोजॉइड्स एंथरोजॉइड्स के मूवमेंट के लिए वाटर एसेंशियल होता है ठीक है तो यहाँ पे ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है दैट इज़ गैमी उसको गैमी बोला जाता है ठीक है अब आपको पता है टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि अट्रैक्ट करती है मेल गैमीट्स को तो सारी चीजें आप देख सकते हो लगभग सेम ही है ब्रायोफाइट्स के जैसे बस केमिकल्स के नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो कीमो अट्रैक्टेंट है वो एक तो है मैलिक एसिड एंड सेकेंड इज सिट्रिक एसिड ठीक है अब हम लिख लेते हैं किस में मैलिक एसिड मिलती है किस में सिट्रिक एसिड मिलती है सो so, देखिए मैलिक एसिड मिलती है ड्रायोप्टेरिस के अंदर मैलिक एसिड इज द कीमो अट्रैक्टेंट एंड सिलेजी के अंदर ठीक है एंड सिट्रिक एसिड होती है लाइकोपोडियम के अंदर एज अ कीमो अट्रैक्टेंट लाइकोपोडियम सिट्रिक एसिड सिक्रीट करते हैं इनकी जो आर्चीगोनिया है ना कौन सिक्रीट कर रहा है कीमो अट्रैक्टेंट बाय आर्चीगोनिया आर्चीगोनिया इसको सिक्रीट करती है क्यों टू अट्रैक्ट एंथरोजॉइड एंथरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन किस तरह की हुई इंटरनल या एक्सटर्नल अगर आपसे पूछा जाए तो फर्टिलाइजेशन कैसी है यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में आ रहे हैं मूव करके कौन एंथ्रोजॉइड बट एग को तो इंटरनल ही कर रहे हैं ना फर्टिलाइज तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एक्सटर्नल नहीं होती है ये याद रखना हुआ. अब जब मेल गेमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे ठीक है मेल गेमिट क्या है एंथर फीमेल गेमिट क्या है एग दोनों हैप्लोइड जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा जयगोटोट इज टू एन ठीक है फर्टिलाइजेशन कैसे हुई है ये आपको पता है वाटर के प्रेजेंस में हुई है जुआइडोगैमी अब जो जायोट है वो आगे बनाता है एम्ब्रियो जो कि टू एन है ठीक है और फिर एम्ब्रियो आगे वापस क्या बना देता है स्पोरोफाइट तो आप देख सकते हो इनकी जो बॉडी की शुरुआत हुई वो स्पोरोफाइट से हुई फिर गेमेटोफाइट बना और फिर गेमीट्स बनी और फिर ये सारा प्रोसेस हुआ है ना तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट था फिर क्या आया गेमेटोफाइट और फिर वापस क्या आ गया स्पोरोफाइट ठीक तो है है तो यही चल रहा और ब्रायोफाइट्स में इसका बिल्कुल ऑपोजिट था ब्रायोफाइट्स में पहले यहाँ पे गेमेटोफाइट थे फिर स्पोरोफाइट आया था फिर गेमेटोफाइट तो वहां पे एन से टू एन जा रहा था यहाँ पे टू एन से एन जा रहा है तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोल देंगे टू एन से एन वाले को डिप्लो हैपलोंटिक लाइफ साइकिल ठीक है डिप्लो हैपलोंटिक और अगेन यहाँ पे जो ब्रायोफाइट है और गेमेटोफाइट है दोनों यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट दोनों की मॉर्फोलॉजी क्योंकि अलग अलग है दिखने में सेम नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोमोरफिक्ट्रोमोर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है हेट्रो -मौर्फिक, हेट्रो -मौर्फिक, ना क्योंकि दोनों की मॉर्फोलॉजी क्या है डिफरेंट हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है द मॉर्फोलॉजी ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिफरेंट दैट इज वाई इट इज़ नोन एज हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और अगर आपसे कोई पूछे कि मीओसिस कौन सी होती है तेरेडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में गैमीट्स बनाते टाइम मियासिस हुई है या जाइगोट बनने के बाद मीओसिस हुई है या स्पोर बनाते टाइम मीओसिस हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मियोसिस कब हुई है स्पोर्स बनाते टाइम है ना तो ऐसी मियोसिस को क्या बोलते हैं जो स्पोर बनाते टाइम होती है दैट इज स्पोरिक मियोसिस बोला जाता है ऐसी मियोसिस को तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों के अंदर स्पोरिक मियोसिस होती है ठीक है तो मियोसिस कौन सी हो जाएगी यहाँ पर आंसर है स्पोरिक स्पोर बनाते टाइम हुई है मियोसिस दोनों में ब्रायो में भी एंड टेरिडो में भी ठीक है सो so, ये है इसका जनरल फ़ीचर अबाउट टेरिडोफाइट्स इसमें ना चार क्लासेस आती हैं सेलोपसीडा टेरॉपसीडा स्वीन ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए वहीं से आपका बेस बनेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं डिस्कस करे हैं क्योंकि वो हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके थे ब्रायोफाइट में ठीक है तो ब्रायोफाइट की आर्चिगोनिया और एंथ्री एंथ्रीडियम बिल्कुल सेम होते हैं यहाँ पर तो उनका स्ट्रक्चर आप सेम टू सेम यहाँ पर भी बना सकते हो ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग नीट की प्रिपरेशन कर सकें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहिए अपना ख्याल रखिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी